इंचार्ज है ये स्विमिंग पूल का, और स्विमिंग पूल से बात करेंगे हम क्या आखिर क्या है इसका। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी फिलहाल हम बेगूसराय में आए हुए और इस यहाँ पे एक न्यू वाटर पार्क खुला है जो कि यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उस वाटर पार्क को आज दिखाने का काम करेंगे दोस्तों इस ब्लॉग के माध्यम से। तो आप बिल्कुल एकदम वीडियो पे बने रहे और देखते रहे ब्लॉग, इस वाटर पार्क में क्या क्या सुविधा है नहीं है वो सारे इस वीडियो में हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी इस वीडियो होने जा रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो पे बिल्कुल एकदम ढंग से आप विजिट करें और देखें कि किस कैटेगरी का किस कितने टिकट लगा रखा गया और कितने बच्चे का कितने एयर का साल का जो बच्चा है वो लोग का टिकट लगता नहीं लगता, तो सारे हम बातें अंदर जा के बात करते हैं। तो पहले बाहर से इसका व्यू दिखाते हैं कि किस तरह का बाहर का व्यू। तो देख सकते हैं ये बाहर का व्यू है, बाहर में यहाँ पे यहाँ का लोकेशन भी हम आपको देंगे कि किस एड्रेस से यहाँ पे पहुँचना है। तो ये बाहर का व्यू, ये मेन गेट है, इसी मेन गेट से एंट्री होगा, अंदर को भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है मेन गेट इस तरह का है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ लंबे दूरी तक के इसकी कैंपस है, खास करके अच्छा दूरी है। तो अब अंदर ले चलते हैं हम, अंदर का व्यू क्या है कैसा है नहीं है। तो अंदर का लोकेशन इस तरह का है, अभी तो फिलहाल न्यू बना है लेकिन बेस्ट बना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का भी अंदर का, सामने काउंटर है, यहाँ पे टिकट कटिंग का होता है व्यवस्था, और इधर सारे जो देख रहे हैं स्विमिंग पूल यानी स्नान लोग करने का जगह है, और बहुत सारे जगह है जो कि हम विजिट कराएंगे, अभी अंदर चल करके दिखाएंगे क्या क्या सुविधाएँ नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सोफ़ा भी लगा हुआ है, इसलिए सोफ़ा लगा हुआ है कि बैठ करके सारे लोग अपने कपड़े को चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद भी यहाँ पे कपड़े चेंज करने के लिए रूम भी बना हुआ है ऐसे। और इसके पहले हम दिखाते हैं आपको स्विमिंग पूल जो इस तरह का है यहाँ पे। फिलहाल ये छोटी सी शहर में बेगूसराय में और इतना अच्छा स्विमिंग पूल बनाने का बहुत अच्छा हमारे लगता है कि शहर को विकास की ओर है। और देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, और कुछ कुछ और यहाँ पे जो कि है इसमें अभी बात करेंगे हम आपको, जो यहाँ का डायरेक्टर है जो यहाँ स्विमिंग पूल का, उस स्विमिंग पूल से बात करेंगे हम क्या आखिर क्या है इसका, क्या टिकट वगैरह रखा गया नहीं रखा गया है, तो सब सारे बातें हम करेंगे। देखो बच्चे लोग कितना खुश है, तो देख सकते हैं कैमरे में आना पसंद कर रहे हैं लोग। तो आप लोग ये देखिए यहाँ का इस तरह का व्यू है, चल रहा आपका किस तरह का बच्चे लोग खुश है, आ रहे हैं, चलो बहुत अच्छी, बहुत और खास करके कैमरे में लोग आना पसंद कर रहा है। इस तरह का व्यू है, उसके बाद वहाँ पे है कि क्या यहाँ का फैसिलिटी है नहीं है, कितने बच्चे कितने साल की उम्र का टिकट लगता है, सारे बातें हम इस वीडियो पे आज बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल आगे हैं, बस आगे आप देख सकते हैं ये लड़का कैमरा ले करके अंदर का शूटिंग कर रहा है। बिल्कुल एक बार हो जाइए अंदर तो देखिए, ये इस तरह का मोबाइल लेकर के जाता है अंदर और बिल्कुल अंदर शूटिंग करता है, अंदर डाउन डाउन दोस्त, ये देखिए बिल्कुल अंदर की ओर सीन जाता है, अंदर में शूटिंग करता है। देख सकते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर है, अभी फिलहाल न्यू बना है इसलिए उतना व्यवस्था नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सारे व्यवस्था हो जाएगा। तो टिकट में भी इतना टिकट काटने लेने वाले को इतना भी भीड़ चल रही, तो बहुत भीड़ है यहाँ पे, आप लोग तो देख ही लिए इतना सारे टिकट लेने वाले हैं। तो अब कुछ विशेष जानकारी भैया से यहाँ का जो ऑनर है उनसे लेते हैं कि आखिर यहाँ का टिकट क्या रखा क्या नहीं रखा गया, सारे बातें ऑनर भी ऑनर जो है उनसे बातचीत करने के बाद पता चलता है, बताते हैं आप लोग को क्या इसका यहाँ का फैसिलिटी क्या क्या है, लेडीज़ के लिए जेंट्स के लिए क्या है नहीं, सारे बातें आपको इस वीडियो में भी हम भैया से बातचीत करें।
या सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में आपको स्वागत है। और चलिए ठीक है, आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम पुष्कर गौतम हुआ, मैं यहाँ पे स्प्लैश पूल एंड कैफे का ओनर हूँ। जी जी, थैंक यू। तो आप इस अभी उद्घाटन कब हुआ है? इसका उद्घाटन 12 तारीख को हुआ था, उसके बाद पूल 15 तारीख को चालू हुआ। 15 तारीख को फर्स्ट पूल पार्टी बिहार का हुआ था, उसके बाद रेगुलर क्लब चालू हुए। यानी ये 15 अगस्त 2022। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और इसका टिकट का दर क्या है भैया? सर इसमें ना दो तरह का टिकट है, एक है डेली टिकट, एक है मंथली टिकट। जो डेली टिकट है वो है आपको मंडे टू सैटरडे 125 रुपया, कॉस्ट्यूम का अलग चार्ज लगता है। अगर आपके पास टिकट है तो आप लेके आ सकते हैं। संडे को 175 रुपये लगता है, कॉस्ट्यूम का अलग से चार्ज। जी जी, और इसका ये टाइम खुलने का है इसका? इसका हम लोग सुबह 7 बजे खोलते हैं, लेकिन सुबह 7 से 9 जो है वो मेरे क्लब मेंबर्स के लिए है, जो मंथली यहाँ पे पासिस लिए हुए हैं। जी जी, वो लोग 2500 रुपये पे करते हैं, उनको फ्री में स्विमिंग फैसिलिटीज मिलती है। 9 से 11 हम लोग का लेडीज स्ट्रिक्ट टाइम है, अभी लेडीज आ नहीं रही है। जिस दिन से लेडीज एक भी आएंगे उस दिन से पूल कम्प्लीटली बंद रहेगा लेडीज के लिए, और 11 बजे से 4 बजे तक जनरल कस्टमर्स का टाइम है। जी जी, तो यहाँ पे इस स्विमिंग पूल में लेडीज का भी व्यवस्था है? जी, स्ट्रिक्ट व्यवस्था है, कोई भाई, कोई पति, कोई पिता अलाउ नहीं है। जी जी, अच्छा, इसके बाद यहाँ फैसिलिटी और क्या क्या, जैसे आपको जो टिकट दर हुआ उसमें क्या क्या, सिर्फ स्विमिंग करना है? यहाँ पे सिर्फ स्विमिंग के लिए फैसिलिटी है टिकट दर में। उसके बाद फिर अभी 1 महीने के बाद कैफे स्टार्ट हो रहा है, लोगों को यहाँ पे मनपसंद खाना मिलेगा नहाने के साथ। जी जी, और यहाँ पे जैसे अभी सभी लोग नहा कर निकलेंगे तो कपड़ा मतलब चेंजिंग करने के लिए इसका यहाँ पे चेंजिंग रूम बनाया हुआ है, जहाँ पे लोग जाते हैं चेंज करके शॉर्ट लेके आते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद वापस शॉर्ट लेते हैं, अपना पैंट जमा करते हैं और फिर यहाँ से वापस। जी, तो आप भैया एक बार यहाँ का एड्रेस कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि एड्रेस नहीं, एड्रेस है रतनपुर नियर गांधी शिक्षण संस्थान बेगूसराय बिहाइंड डीडी कॉलेज। यहाँ का कोई संस्था का कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा? इस यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है 9459469453। थैंक यू। तो गाइज, आज का ब्लॉग हम यहीं पे अंत करते हैं। आप लोग को उम्मीद है कि आपका आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर इस ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।